हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक में बच्चों का अकाउंट कैसे ओपन करना है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों का 18 साल के अंडर के पर्सन वाले जो भी बच्चे हैं उसका अकाउंट ओपन कैसे करना है। हालांकि स्कूल में ज़रूरत पड़ती है बच्चों का स्टूडेंट अकाउंट के लेकर, तो उसका अकाउंट फिनो में भी आप ओपन कर सकते हैं। जो फिनो में एक प्रोडक्ट बनाया गया हुआ है भविष्य सेविंग अकाउंट के नाम से, तो भविष्य सेविंग अकाउंट कैसे हम खोलेंगे बच्चों का और भविष्य सेविंग अकाउंट खोलने टाइम हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। जिस भी पर्सन का आप अकाउंट ओपन करेंगे बच्चे का, उसको उसके पास एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप अकाउंट ओपन करेंगे फर्स्ट। एंड पैन कार्ड है फिर भी खोल सकते हैं, नहीं है फिर भी आप खोल सकते हैं, पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है बच्चों के लिए। आप फॉर्म 60 वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, विदाउट पैन का भी आप पैन कार्ड का भी अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एंड थर्ड क्या है कि आप जब भी बच्चों का अकाउंट ओपन करेंगे तो दो चीज़ आपको दो नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि एक तो प्राइमरी अकाउंट में ऐड हो जाएगा, सबसे फर्स्ट टाइम जो नंबर आप डालकर सर्च करते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं तो वो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। बच्चों का जो भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसके साथ लिंक हो जाता है। एंड सेकेंड, जो एक अल्टरनेट के तौर पे आपको वहाँ पे डालना पड़ता है फॉर्म फिलअप करने टाइम, जिसमें क्या होता है कि एक पेरेंट्स का, उसके गार्जियन का एक नंबर आपको डालना है, तो दो एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता वहाँ पर पड़ जाता है आपको। एंड उसके बाद आप यहाँ पे 10 साल से ऊपर का ही बच्चों का अकाउंट ओपन कर पाएंगे भविष्य सेविंग अकाउंट के साथ, फिनो पेमेंट बैंक के साथ आप 10 साल से ऊपर का ही बच्चों का अकाउंट ओपन कर पाएंगे। हाँ जी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप कि 10 साल से ऊपर के बच्चों और 18 साल के अंडर वाले बच्चों का आप भविष्य सेविंग अकाउंट आराम से ओपन कर पाएंगे। इसका चार्जेस क्या है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि चार्जेस कितना कटेगा, और स्टूडेंट टाइप का अकाउंट ओपन होगा। और मैं आपको बता दूं किट के बारे में, तो किट आपको इसमें जो हम शुभ सेविंग अकाउंट, जिस किट से हम शुभ सेविंग अकाउंट का अकाउंट ओपन करते हैं, सेम किट हमें भविष्य सेविंग अकाउंट में भी यूज करना है। भविष्य सेविंग अकाउंट के लिए सेम किट है, इस टाइप का आपको किट मिलेगा। ये कॉम्बो किट हुआ जिसमें पहले दो आता था, एक वेलकम किट, एक एटीएम कार्ड रहता था उसमें, बट अब क्या है एक ही में आपको दोनों चीज़ मिलता है लिफाफा में ही। इसमें आप अकाउंट कस्टमर आईडी और एक एटीएम किट, इसमें रहता है एटीएम, रहता है एटीएम कार्ड। तो ये कॉम्बो, इस तरह का कॉम्बो किट हुआ, तो इस तरह के कॉम्बो किट के माध्यम से आप भविष्य अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत मेरे पास कमेंट आया हुआ है कुछ CSP भाइयों के पास से, और कुछ मर्चेंट मेरे दोस्त हैं वो हमें मैसेज करते हैं कि जब हम बच्चे का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक कितना लगेगा। बायोमेट्रिक जैसे कि हम शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो जिस भी कस्टमर का शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो पूरा 10 उंगली का फिंगर वहाँ पर लगता है, 1/1 के 5 उंगली इसमें का, 5 उंगली इसमें का, तो इस तरह से पूरा 10 उंगली का फिंगर लगता है बच्चे का। जब भी हम अकाउंट ओपन करेंगे प्रोसेस सेम ही रहेगा, स्टेप 5 स्टेप पर आपको काम करना है पूरा। मगर उसमें क्या है कि जब हम बच्चों का अकाउंट ओपन करते हैं, 18 साल के अंडर के बच्चों का अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें 10 उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक उंगली पे ही काम हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम बच्चों का अकाउंट ओपन करते हैं तो बच्चों का जो आधार कार्ड रहता है बहुत स्टार्टिंग का रहता है, 5 साल पहले का ही बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का के आधार कार्ड बन जाता है। और उस कंडीशन में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो बायोमेट्रिक मैच नहीं करता रहता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर बायोमेट्रिक ना मैच करे तो आप घबराइएगा नहीं, उनको बोलिएगा कि आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का मतलब आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस जिसको आपको मैं पहले बता दिया हूँ। और मैं बता दूँ कि मेरा नाम नीरज कुमार हुआ और आप देख रहे हैं NS हेल्पिंग फॉर यूर फ्रेंड्स। मैं फिनो के साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर के रूप में भी काम करता हूँ। अगर आप लोग को फिनो पेमेंट बैंक का BC ID, मर्चेंट आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, किसी भी तरह का भी आईडी आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आपको किट की आवश्यकता हो, इस तरह का वेलकम किट, ATM वाला जो भी लिफाफा का किट की आवश्यकता हो, इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आपके नियरेस्ट ब्रांच से। या होने वाला हो तो मुझसे हम आपको आपको डायरेक्ट आपको पार्सल करवा सकते हैं। या ATM डिवाइस की आवश्यकता हो, बायोमेट्रिक की आवश्यकता हो, तो इस तरह का मिनी मैजिक सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में हम चलते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप बच्चों का अकाउंट ओपन करेंगे और अकाउंट ओपन करने में क्या क्या चीज़ की कौन कौन सी सावधारणा हमें करना पड़ता है वहाँ पे। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पे और मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखलाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी मित्रा एप्लीकेशन है उसको लॉगिन करना है। मित्रा एप्लीकेशन को लॉगिन किया, अपने आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिलअप किया, इस तरह से आप अपना आईडी और डालिएगा एंड कंटिन्यू कीजिएगा। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है।
पासवर्ड मैंने डाल दिया। एंड उसके बाद आपको इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा, जैसे अपना आप CSP मित्रा एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे अपना फिनो का, तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जिस भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो भी पर्सन है जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले यहाँ पे उसका एक मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, यूनिक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यही रजिस्टर्ड हो जाएगा उनके अकाउंट से, है ना। तो यहाँ पे नंबर डालेंगे, जैसे अपने आप वहाँ पे नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन अकाउंट, रिचार्ज, बिल पे, पेमेंट, तो हमें यहाँ पे ओपन अकाउंट पे टैप करना है। ओपन अकाउंट पे जैसे टैप करेंगे आपके पास इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखलाता हूँ, आपको यहाँ पे मिलेगा भविष्य सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट। तो हमें 18 साल के अंडर का अकाउंट ओपन करना है, जिसका एज 18 साल के अंडर में है, 16, 15, 14, 12, उसका अकाउंट ओपन करना है। तो हमें भविष्य सेविंग अकाउंट पे टैप करना है। जैसे भविष्य सेविंग अकाउंट पे टैप करेंगे, इस तरह से एक इंटरफेस आएगा आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे चिल्ड्रेन 10 साल से लेकर 17 साल का आप बच्चे का खाता फिनो के साथ ओपन कर सकते हैं, जिसको भविष्य सेविंग अकाउंट बोलते हैं। जिसमें हमारा जो चार्जेस लगेगा वो यहाँ पे शो कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.3%, 2.75% है ना। तो ये आपका एक इसका प्रोडक्ट का जो भी बेनिफिट है ये है। यहाँ पे आपको जो भी किट होगा आपके पास वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। हालांकि मेरे पास कॉम्बो किट है, तो मैं कॉम्बो किट सेलेक्ट करता हूँ। पहले आता था रेगुलर सेलेक्ट करना पड़ता था, जिसमें आपको ATM किट अलग आता था और उस वेलकम किट अलग रहता था। अभी कॉम्बो आने लगा है तो कॉम्बो सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ रह जाएगा। यहाँ पर मैं रहने देता हूँ रुपये। एंड आधार DBT, यहाँ पे हमसे पूछा था डू यू वांट टू सेंड योर अकाउंट विथ आधार टू रिसीव DBT बेनिफिट डायरेक्टली टू योर अकाउंट। यहाँ पे क्या आप गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी पेमेंट आता है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के माध्यम से जो भी पेमेंट आता है, क्या इस अकाउंट में लेना चाहेंगे, यस या नो करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यस किया। एंड उसके बाद EKYC पे आपको टैप करना है। जैसे EKYC पे आप टैप करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालना है। जिस भी पर्सन का आप अकाउंट खोल रहे हैं उसका एक आधार नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर रहा हूँ, तो इस तरह से आधार नंबर डालेंगे। एंड उसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है आपको, चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको इस वाले फिंगर पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे आपके पास जो भी आपका ड्राइवर होगा, जो भी आप डिवाइस लगाए होंगे, मार्फो मंत्रा रेडटेक स्टार्टेक्स वो जो लगाए होंगे, उसमें एक लाइट जलेगा इस तरह से, ये लाइट जल चुका है। इसमें क्या है, बायोमेट्रिक आप कस्टमर का लगाएंगे, कस्टमर अपना कोई भी उंगली लगाएगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम। जैसे बायोमेट्रिक कस्टमर लगाता है तो इस तरह से आपके पास एक डाटा आ जाएगा कस्टमर का पूरा, उसका नाम, एज, सिंगल है, क्या है, इसमें इस तरह से इसका पूरा डाटा आ जाएगा। यहाँ से आपको फिलअप करना है, जो भी आपको स्टार बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, स्टार 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 इस तरह से जो भी स्टार है उस सारा को फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम स्टार बॉक्स को फिलअप करेंगे, है ना। यहाँ पे मदर्स नेम डालना है इनका, तो मदर्स नेम क्या हुआ, तो इनका मदर्स नेम मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे पैसा पूछा जा रहा है, स्टूडेंट ही है, हालांकि 18 साल से नीचे का जिसका भी अकाउंट खोलेंगे स्टूडेंट ही होगा, सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे मिलिंग एड्रेस में आधार सेम एज आधार एड्रेस पे टैप करना है आपको, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक इसमें फिलअप हो जाएगा आपका यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेल आईडी आप डाल सकते हैं, चाहेंगे तो आप यहाँ पे मेल आईडी भी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, और कोई फिलअप करना नहीं है, जो भी स्टार बॉक्स ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे एक गार्जियन डिटेल्स पूछा जा रहा है, एक गार्जियन का डिटेल्स डालना है। तो गार्जियन जैसे पर क्लिक करेंगे उनका फादर्स का नाम आ जाएगा, इनका फादर्स नेम आ चुका है। रिलेशन क्या है, तो फादर है, फादर पर क्लिक किया। एंड गार्जियन एड्रेस इज सेम एज कस्टमर एड्रेस, यस सेम है दोनों का एड्रेस, गार्जियन का और कस्टमर का, हालांकि पुत्र और पिता एड्रेस सेम ही होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे फिर से नीचे गार्जियन मोबाइल नंबर, इसमें चेकबॉक्स मारा गया हुआ है, इसमें एक कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा, जो भी बच्चे का अकाउंट ओपन अप कर रहे हैं उनका एक उनका पिताजी का एक अल्टरनेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। 18 साल से नीचे वाले के लिए ये है एक ऑप्शन नया, जिसमें उनके पिताजी का एक मोबाइल नंबर है,
उसके पेरेंट्स का कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, उस पर भी ओटीपी जाएगा। हालांकि रजिस्टर पहले वाला नंबर ही होगा, तो यहाँ पे मैं पिताजी का उनका नंबर डालता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर का फादर्स का एक मोबाइल नंबर इंटर कर दिया एंड उस पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। इस तरह से आप ओटीपी फिलअप करेंगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पर टैप करना है। जैसे सबमिट पर टैप करेंगे इस तरह से फिर आपके पास पेज आ जाएगा। इसमें आपको फिर से आपको नेक्स्ट करना है। फिर से आपको एक बायोमेट्रिक लगेगा कस्टमर का ही, जिस बच्चे का आप खाता खोल रहे हैं उसी का एक बायोमेट्रिक लगेगा। उस पर टैप कीजिए, लाइट ब्लिंक करेगा एंड उसके बाद फिर से कैप्चर हो गया, फिर सबमिट कर देंगे हम यहाँ पर। जैसे आप सबमिट करेंगे इस तरह से एक आपके पास टैक्स डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ गया होगा। इसमें आपको क्या करना है, स्लैब इनकम स्लैब डालना है आपको यहाँ पे। फिर इनकम स्लैब में आपको क्या करना है, बच्चे का इनकम आपको यहाँ पर दर्शाना है एंड उसके बाद पैन कार्ड, अगर कस्टमर का होगा बच्चे का पैन कार्ड अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फॉर्म 60 फिलअप करना है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे नो एंड उसके बाद एनुअल इनकम आप यहाँ पर 35 करेंगे। एनुअल एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ। अदर इनकम इनका फादर्स का हो गया, फैमिली डिटेल्स हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। आई एम टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर टैप करना है आपको एंड उसके बाद एक्सेप्ट करना है। इसमें एक नॉमनी नेम पूछा जा रहा है इनका, इस खाते में नॉमनी नेम किसका डालेंगे, वो नॉमनी नेम यहाँ पर डालेंगे आप, है ना। इस तरह से आपको एक नॉमिनी डाटा डालना है आपको। इसमें मैंने नॉमिनी डाटा डाल दिया, उनके मदर्स नेम का डाटा था तो मैंने डाल दिया एंड उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे नॉमिनी एड्रेस सेम एड्रेस उस पर चेक क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल डिटेल्स पे आना है। जनरल डिटेल्स पे आपको उनके पास बच्चे के पास कौन सा फ़ोन यूज़ करता है, उनके पेरेंट्स का नंबर है कौन सा यूज़ करता है, इसमें वो फ़ोन का डिटेल्स देना है। बेसिक में डाल देता हूँ, हाउस होल्डर फैमिली है भी एंड उसके बाद उनके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई बाइक है तो इसमें नन ही रहने देता हूँ। एंड उसके बाद नंबर ऑफ़ अर्निंग, यहाँ पे नंबर ऑफ़ अर्निंग, इसमें फैमिली का नंबर ऑफ़ अर्निंग फैमिली मेंबर इन, तो एक डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टोटल फैमिली इनकम डाल दीजिएगा आप जो भी होगा। मैं यहाँ पे बच्चे का फैमिली का इनकम 1 लाख डाल देता हूँ एंड आई आई एग्री वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको किट नंबर डालना होगा। जो भी कस्टमर का वो खाता खोल रहे हैं तो आपको एक कॉम्बो किट सेलेक्ट किए होंगे, उसका एक नंबर होता है किट नंबर। इस तरह से आपको एक किट नंबर देखने को मिलेगा, ये हुआ किट, ये वाला नंबर जो आप देख रहे हैं कॉम्बो किट नंबर, ये आपको इंटर करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये इंटर कर देता हूँ इनका। जैसे किट नंबर डालिएगा तो आपके पास इस तरह से आया कॉम्बो किट नंबर जनरेशन सक्सेसफुल, है ना। एंड उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी इनका पेमेंट कटेगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद आधार सेंडिंग पे टैप करना है, फिर से बायोमेट्रिक चलेगा, इनको बायोमेट्रिक लगाना है यहाँ पे एंड उसका सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो इनका पहले से कोई अकाउंट है यहाँ पे, उसका डाटा आ जाएगा। हालांकि इनके पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है पहले से तो उसका डाटा आ चुका है, तो इस तरह से डाटा आ जाएगा। एंड उसके बाद आई एग्री फिर इस पर भी टैप करना है आपको एंड इसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पूरा आपको पढ़ लेना है, क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। निर्धनानुसार खाते बंद होने पर आपका जो भी कुछ है बचत डीबीटी का जो भी है इसमें कंडीशन वो समझाया गया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद आपको लास्ट ऑफिस है। हालांकि जब भी हम बच्चे का अकाउंट ओपन करते हैं उस कंडीशन में हमारा एक ही बायोमेट्रिक लगता है और हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। जब हम सियान का अकाउंट ओपन करते हैं 18 साल प्लस वाले मेंबर का अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा 5 उंगली 10 उंगली 5 उंगली इधर का 5 उंगली इधर दोनों हमारा उसमें लगता है, यानी 10 उंगली हमको अटैच करना पड़ता है उसमें। अब बच्चे के अकाउंट में आपको एक ही उंगली से काम हो जाएगा, इसमें बायोमेट्रिक आपको नहीं मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो एक बार लास्ट है ऑथेंटिकेशन से करेंगे, फिर से कैप करेंगे, उसके बाद लाइट जलेगा एंड अंगूठा लगाना है आपको। जो भी कस्टमर है आपका उसका अंगूठा लगाएंगे एंड उसके बाद एक ओटीपी, उसके जो नंबर फर्स्ट नंबर जो भी नंबर हम सर्च करके निकाले थे उस नंबर पे एक ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड मैं ओटीपी को फिलअप करता हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको थोड़ा देर वेट करना है, ये लोडिंग हो रहा है। इस तरह से आपका अकाउंट ओपन सक्सेसफुल हो गया है। नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी एंड उसका इनिशियल पेमेंट, जो भी आपका लेजर बैलेंस जो भी कट हुआ है वो आपका इसमें शो कर रहा है यहाँ पे।
तो इस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है। और आई होप आपको एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रक्रिया आपको बता दिया हूँ, ताकि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो अकाउंट ओपन करने में। तो चलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। अह